कम्फर्ट बहुत आ गया हमारी, देख लो कॉफी बना रही है हमारी ये। आइया बेटा आज पूरी ट्रेनिंग पे है भाई। एक घोर कलयुग देख लो भाई साहब, विंटर की सौगात, बड़े खुश हो गए तुम देख लो। आ गए जी अपर लेवल पे। बेचारी सीआर भी ना बुरा मान जाती है कि मैं सिटी के बाहर ही नहीं निकलती। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे इज सैटरडे मॉर्निंग, मच सो टुडे इज सैटरडे मॉर्निंग, मच नीडेड सैटरडे मॉर्निंग। जब हम 8 बजे तक सुबह सो पाए हैं आज, दो दिन वाला सैटरडे था। ओहो, इतनी मेहनत के बाद पूरा हफ्ता पज पज के अब जाके भैया रिलैक्स, मजा आ गया। ये जो पीछे गड़गड़ की आवाज आ रही है, दैट इज कॉफी मेकर, कॉफी ब्रू हो रही है। ओ वेयर इज शी, वेयर इज शी, ये रही, ये आई एम ऑन प्रोडिजी। ये प्रोडिजी पे अपनी पढ़ाई कर रही है, विच इज गुड। तो पढ़ाई करते रहिए आप आया जी। और हमारा नाश्ता तैयार है, कॉफी बन गई है, गड़गड़ गड़गड़ करके कॉफी मेकर आवाजें मार रहा है कि आगे मेरे को पोर कर लो। और ना कॉफी के साथ साथ हमारे पास ये है आज मिठाई, जो दिवाली की मिठाई, ऐसे घुमाता हूँ कैमरा, घुमाता हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो दिवाली की मिठाई कॉफी के साथ खाने का अपना ही मजा है। ऐसा होता है ना, देखो सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं दिवाली के बाद, जो बच जाता है ना फिर दिवाली के बाद ड्राई फ्रूट, फिर कोई मना नहीं करता, जितना मर्जी खाओ। वैसे तो मैं रोज ही खाती हूं, हमारा तो नट्स रोज है, रोज की। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में है फ्रेंच टोस्ट, जो कि बने पड़े हैं पीछे। ये ओ इतने सारे आया, तो बताइए ये पूरा ना एक्चुअली ब्रेड खराब हो रही थी तो एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने कहा इसको पूरा ही खत्म करना है, या तो बेसन वाले टोस्ट बनने थे या फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट बना दी। सो किस किस को ये पिक्चर याद है, गाना कमेंट बॉक्स में लिखना। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं, आया हूँ यारो या काम है यार, दुश्मनों का दुश्मन दे दनादन, तो जरा कमेंट करके बताना। हमारी ना ये सारी पिक्चरें बड़ी फेवरेट होती थी हमारे टाइम पे। नाश्ता करेंगे, सैटरडे का हमारा कुछ प्लान है, जो इन्होंने बीच में जो आपने चिल्ड्रंस प्लेस से सामान लिया था आइया का, वो थोड़ा सा टाइट आ गया था। आज काफी सामान है जो रिटर्न जाएगा। सो थोड़ा सा आइया के कपड़े रिटर्न होंगे और चेंज होंगे मतलब साइज में, और एक हमने जो कर्टन लगाए थे एक कर्टन एक्स्ट्रा ले लिया था, तो वो भी रिटर्न कर देंगे जाके आज। चलो तो ये थोड़ा सा काम है, अब जा रहे हैं नाश्ता करने, अभी आपको थोड़ी देर में। मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेशन लगता है कि होटल में लोग ऐसे कैसे पकड़ के चलते हैं। मुझे हमेशा बड़ा लगता है कि जब वो ला रहे होते हैं, मुझे लगता है कितना अच्छा सीखा हुआ है इन्होंने। सर्विंग का कोर्स होता है ना पूरा, कलिनरी प्रोग्राम, दे प्रैक्टिस बिफोर। ये देखना मेरे फ्लावर्स अभी तक कितने सुंदर सुंदर है, ये देख लो। वाह जी वाह, ये दिवाली वाले फ्लावर। ये मेरे डेजीज थे जो मैं लेके आई थी, उन्होंने पता बोला था 7 डे गारंटी है। अच्छा हाँ, वेरी। तो सेल पे थे। तो हुआ ये था, बोन वाली मैंने ना दिवाली वाली वीडियो में मैंने वो वाली क्लिप्स नहीं डाली थी जब नेहा ने काफी मेहनत करी थी पूरा दिन। रीजन बीइंग हम लोग, आपको ऑलरेडी पता है, दिवाली की वीडियो जो बनाई थी ना जिस सर्कमस्टेंसेज में एडिट हुई थी, हमें था कि आई कैन पुट वट एवर द गुड स्टफ, मैक्सिमम स्टफ जो मैं फटाफट 15 मिनट में बना के डाल दूं, क्योंकि इतना रिसर्च करने, इतना ज्यादा ना कैमरे से निकालना और फिर करने का टाइम मेरे पास नहीं था। इट वॉज ऑलरेडी midnight, तो इसलिए वो मैंने सारी हटा दी। मैंने कहा दिवाली से शुरू करेंगे जब दिवाली शाम को करी है। रब सुख रखे, ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे, आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ गई। जब तक आपको यहाँ नीचे स्नो नहीं ना दिखती, तब तक आप समझ लो कि हम खुश हैं। जैसे बोलते हैं ना कि क्रिसमस का सगन होता है कि व्हाइट क्रिसमस ही होना चाहिए, अच्छा वैसे दिवाली का होता है कि व्हाइट नहीं होनी चाहिए। सही बात है, बड़ी सही बात बोली तूने। पता है हमारे ना, हम बहुत ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं जैकेट्स पहन के, हर जगह इतनी मतलब दिक्कत होती है। और फिर बाहर फायर क्रैकर कोई दिवाली में बाहर ऐसा न जलाएगा। तो मेरे को याद है पिछली बार की दिवाली की वीडियो, अगर आप जाके नहीं देखी तो जाके देखना, इस साल की तो देखना ही, पिछले साल की उसमें इतनी स्नो थी कि फुल जड़ी को स्नो में कर रहे थे। तो ये देख लो जी, नेहा के रेस्टोरेंट का बफे लग गया है, आराम से आओ। टेबल पे मिठाई पड़ी है, नट्स पड़े हैं प्लेट में, कॉफी देने के लिए कॉफी और साथ में फ्लावर्स भी हैं। फ्लावर्स भी रखे हुए हैं देख लो। तो नाश्ते के बाद थोड़ा बहुत नाश्ते के साथ टीवी देखते रहे, अब नाश्ता करके उठ के तैयार हो गए देख लो। और ना हमारे घर में ये जो लड़की है ना, ये टीनेजर हुई है, ये जीन्स पहन के घूम रही है जैसे बड़ी बड़ी बच्चियां होती हैं, तैयार होती हैं जैकेट एंड जीन्स में। ये देखो गर्मी में मजा आता
आता है गर्मी में शॉर्ट पहनती है और कुछ पहनती है हुडी है, तो हम कहते हैं देखो नीचे नहीं ठंड लग रही, सिर्फ ऊपर ठंड लग रही है। तो यहाँ पे ना ये ऐसा ही कल्चर है, नीचे लोग शॉर्ट्स पहन लेते हैं ऊपर हुडी पहन लेते हैं। हम पहले बातें बनाते थे जब हम लोग आए थे ना टोरंटो, तो हम बातें बनाते थे बच्चों को देख के, इनको ठंड नहीं लगती, जस्ट इनको ठंड नहीं लगती, रात को भी इतनी थी रात तक भी शॉर्ट्स एंड हुडी गर्ल्स ने। तो सोनी धूप निकली हुई है, इतनी ठंड नहीं है, तो वही बात मैंने आपको बोला था ना, वी विल हैव टू पे फॉर इट। हाँ जी, यू गाइस, वी आर गोइंग टू चिल्ड्रंस प्लेस, चिल्ड्रंस प्लेस शूज ऑन, और चिल्ड्रन प्लेस के शूज ही पहने हुए हैं। वो कहेंगे कि हमारे हमें दे दो वापस। ना सीआरवी लेके जा रहे हैं, बेचारी सीआरवी ना बुरा मान जाती है कि मैं सिटी के बाहर ही नहीं निकलती। आज इसको तो घुमा के लाए ना सीआरवी को भी। ये तो घूमती है नहीं, ये सिर्फ मार्टिनविल में रहती है। ये तो हाईवे में नॉइज बनाती है। हाँ नॉइज तो बनाती है, तो हम गाड़ी में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ना, लेकिन इसको आज मॉल लेके चलते हैं ना, ये बेचारी कभी मॉल नहीं गई ना, ये उदास हो गई होगी ना। आइया हमेशा उसमें जाना चाहती है, इसको थोड़ा सा बहलाया जाता है ये बोल के अब क्या करें बच्चे का ना। Put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving. इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, इन दोनों बच्चों ने ना, इन दोनों ने मेरे को बोला सेंटर मॉल जा रहे हैं, सेंटर मॉल जा रहे हैं, और मिड टाउन ले आए बताओ। और नेहा को ना मिड टाउन मॉल नहीं पसंद, मुझे लगता है बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे ना, पार्किंग की देखो पता है कितने चक्कर मारे हैं, अब जाके कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आप तो डैडा की लाडली ने बोल दिया, तो डैडा ने कभी कंप्लेन करना ही नहीं। मैं ना गाड़ी को जितना कंफर्टेबल नोज आउट करके लगाने में हूँ ना, क्योंकि मुझे बैक करनी बिल्कुल नहीं आती ना, मेरे को पसंद है आई ऑलवेज झको। मैं एक्सपर्ट हूँ गाड़ी को नोज आउट लगाने में, बिकॉज मेरे को ऐसे अंदर करके नहीं लगाना मजा आता। रीजन बीइंग उसका क्या है कि मैं कार रेंटल काम करते थे ना, तो वी हैड टू गिव कस्टमर्स व्हीकल नोज आउट, कि उनको बैक ना करना पड़े बैठे हैं अंदर ड्राइव अवे। सो अपने देखो जी काम सिखाता है कोई ना कोई। चले आइया को ना इसीलिए पसंद है ये वाला मॉल, क्योंकि यहाँ पे आती है एस्केलेटर पे, आइया को एस्केलेटर पसंद है ना। आ गए जी अपर लेवल पे चिल्ड्रंस प्लेस के लिए, देख लो भाई क्रिसमस की। आज मॉल में बहुत रश है। अच्छा अब हॉलीडे सीजन के लिए रश आना शुरू हो गया, बस ये मास्क हट जाए एक बार, देखो शायद नवंबर 30th को हट जाए। आ गए जी फाइनली चिल्ड्रंस प्लेस, ये देख लो हो रहा है जी, अब रिफंड आई है सामान ना, और नया भी मिल गया रिप्लेसमेंट। खुश होते हैं, नहीं नहीं रिप्लेसमेंट हो गई है, इसको कुछ दिख गया। और तो हमारे पीछे चिल्ड्रंस प्लेस से हम आ गए हैं बाहर, और अच्छी बात देखो क्या हुई, जो जो चीजें रिटर्न हुई साथ ही नहीं मिल भी गई, और फिर भी $50 अंदर आ गए, पता नहीं कैसे क्या किया नया ने, यहाँ तो पहले महंगी ली थी या अब और सस्ती हो गई, आई डोंट नो क्या हुआ, $50 का रिफंड आ गया। अब कहाँ जाना, नीचे वहाँ से जाएंगे, ओके कहाँ से, वहाँ दूसरे एरिया से आ जाओ भाई, जहाँ से आइया कह रही है। आइया को ना सेट है पैटर्न है इसका, जो इससे नहीं हिलती है, इसका जो है ना डिसिप्लिन, जिस तरफ से जाना है उसी तरफ से जाना है। मैं बताती हूँ ना क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ पे पॉपकॉर्न मिलेंगे। अब हम जा रहे हैं नीचे, काम खत्म हो गया चिल्ड्रंस प्लेस का, ये दोनों कह रहे हैं अब ये पता नहीं क्या स्टंट करने वाले हैं। देखो आज मन्ना नहीं ना है तो डैडा बने हुए इधर। आपको आज की वीडियो के बारे में बताना क्वालिटी कैसी लगी, ठीक है। एंड हम आ गए हैं अपने ट्रेडिशन फॉलो करते हुए मिड टाउन मॉल, आओ और कर्नल ना आओ ऐसा हो नहीं सकता। पॉपकॉर्न तो भाई जरूर खाने हैं आर्या ने और डैडा ने, किसी को पॉपकॉर्न मिल गया है कोई बहुत खुश है। अब हम जा रहे हैं सेकेंड डेस्टिनेशन पे, बाय कर दो मिड टाउन को, बाय मिड टाउन। आर्या इज ऑलवेज सो फैसिनेटेड ना एस्केलेटर पे जाने के लिए, क्योंकि हमें मिलता नहीं है मौका, हमारे बेचारे सैस्केडून में एक दो मॉल ही हैं जहाँ पे एस्केलेटर होता है।
तो आर्या रियली लव्स इट। जस जी पे कर रहे हैं पार्किंग, हम कर रहे हैं जस जी की वेट, तो फिर चलेंगे सेकंड प्लेस। ये आ गए मेरे दोनों बच्चे। मैं पता अभी क्या नोट कर रही थी यहाँ पे खड़े खड़े जब तुम्हारी वेट कर रही थी पार्किंग के लिए, हर बंदे के पास वैसे कर्नल्स हैं हाथ में, हर बंदे के पास पॉपकॉर्न है। तो हमारा तो हम या तो सॉल्ट वाला लेते हैं जो नॉर्मल और ओरिजिनल फ्लेवर होता है, या फिर आप हम लेते हैं स्वीट थाई चिली। आजकल स्वीट थाई चिली आर्या को पसंद है तो डैडा की भी मौज होगी है। ओ अच्छा, दूसरी बात ये, इससे पहले मैं भूल जाऊं, तो आज हम ना गाइस एक अलग डिवाइस से आज वीडियो बना रहे हैं। आप बताना आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। थैंक यू लाडो। ठीक है, आप बताना आपको क्वालिटी कैसी लगी, कोई डिफरेंस लगा है पहले वाले वीडियोस में और इस वाली वीडियो की क्वालिटी में, तो हमें बताना, फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हम कौन सी डिवाइस से। आज हमने थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया, हमने ना बास्केट्स रख ली हैं, ये फटाफट इसी में रखेंगे गाइस, इसी में गाड़ी में चले जाएंगे। चलो ठीक है जल्दी, मूलियाँ नहीं चार ले लो, हम लेते हैं मूली डैडा जी की, ग्रीन अनियंस 1 2। आइया पूरी हेल्प कर रही है, देख लो डैडा की लिटिल असिस्टेंट। आइया को भी सब्जी लेने आ जाएगी अब। पुदीना जस जी 2 ले लो, मैं कहा मेरे घर का पुदीना होता था, आप देखो। मेथी भैया मेथी, मेथी भी ले लो, मम्मी को दे देंगे। अच्छा पड़ा, हाँ ठीक है ले लो। 2 बैंगन ले लो, 3 ले लो। आइया बेटा आज पूरी ट्रेनिंग पे है भाई, धीरे धीरे ये कहेंगे मम्मा के आने की जरूरत नहीं है, डैडा और आइया कर ले। बोला था ऑर्डर करने, आइया ने ऑर्डर करा आज कर्नल पे, उस जूस के लिए चाहिए आइया को, तो 1 जूस में डाल लेंगे और 1 उसमें सैलेड में खा लेंगे। कल बनाएंगे जूस, आज कल जूस बनेगा। हाँ। किंग आइल में खड़े हैं भाई, ये देख लो विंटर की सौगात है, एक बड़ी अच्छी। क्या जज जी विंटर की सौगात, बड़े खुश हो गए तुम देख के। क्या -35 विंडशील्ड वॉशर मस्ट हैव वर्सेस कैच वन, मस्ट हैव वर्सेस कैच वन, देख लो नया वो निकाल लो जस जी, ये ऊपर रखेंगे। चलो जी बास्केट्स की, बास्केट्स अब तो आ गई, बैग नहीं रखने पड़े, आराम हो गया। हाँ ऐसे ही उठा के अंदर ले जाओ। हाँ। फिर इतने सारे बैग नहीं होते तो नाले सर्दी में रुकना। हाँ चल साइज बड़ा अच्छा है। हाँ इनको ना 2 को सीआरवी में छोड़ेंगे। हाँ क्योंकि सीआरवी अपनी जो है ये डिसमेंटल कर लो, देखो ये बंद होगी। चलो बड़ा अच्छी पैकिंग हो गई हमारी तो। चलो घर पहुंच गए जी, अब सामान सारा अनलोड करेंगे एंड देन कॉफी की तलब हो रही थोड़ी, दोपहर का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं, कॉफी पियेंगे। सफर आज हमारा थोड़ा लेट है, पिज्जा इसका लेफ्ट ओवर पिज्जा पड़ा कल का, हमारा भी पड़ा है थोड़ा सा, वो खाएंगे थोड़ा सा। ये देखो नेहा जी ने, ये देखो सामान, कोई हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा कोई, ये ना नीचे दिखाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ये चॉकलेट खा रही है, तो ये मजे कर रही है। डेंटिस्ट को बिजनेस देती है। ये कैमरा बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आप बताना कैसा है। नेहा ने आपको बताया ये अपने न्यू कैमरा बाय करा है भाई साहब। हाँ आज तो पूरी वीडियो इसी पे थी, मैंने अपने फोन को, नेहा ने अपने फोन को, हमने हाथ भी नहीं लगाया। यू गाइस गेस इन द कमेंट्स, गेस इन द कमेंट्स, ये देखो मेरे को भी चॉकलेट दे रही है। डार्क चॉकलेट खा रही है, डार्क चॉकलेट है ये, डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर हार्ट। ओ डब्बी खाली करके दे रही है मेरे को, ये देख यार तेरी बेटी, एक घोर कलयुग देख लो भाई साहब। मैं को ऐसे दबाने की कोशिश कर, मैं भी कर चुका हूँ, मैं भी कर चुका हूँ, हम बिगड़े हुए बच्चे हैं। ये देख लो जी अब राशन संभल रहा है, चीनी डल रही है, चीनी हमारी ऐसी आइटम है जो साल में एक बार आती है घर में, बहुत ही कम, क्योंकि चीनी हमारी डलती नहीं किसी चीज में सिवाय चाय में या फिर कभी हलवा बनाए तो उसके अलावा चीनी हमारी कोई यूज नहीं होती। No, you don't wanna eat चीनी। जज जी कह रहे हैं बनाने के लिए जिसमें चीनी का उपयोग होगा और अगर बनेगी तो आपको दिखाएंगे। क्या बोला मैंने? भूल भी गए जज जी। सच्ची में I don't remember। खीर। ओ खीर, yes खीर। दूध बहुत सारा हो गया, जज जी कह रहे हैं खीर बना दे। एक्चुअली ना हमारे घर में खीर दूध की आइटम तभी बनती है जब दूध खराब होने वाला होता है, तो दूध की हम लोग दूध बहुत कम पीते हैं। दूध की ना 2 बोतलें ले आया मैं, कौन दूध की ना मैं 2 बॉटल 4 लीटर वाली ले आया था कॉस्को से 2 हफ्ते पहले, तो एक खत्म हुई है, एक अभी पूरी पड़ी है और 11th को एक्सपायर हो जाना है। सो नवंबर आज कितनी है 6,
छह पांच दिन में वो यूज ही नहीं होना, खीर बना देना अगर दूध। वो बोल रहे हैं कॉफी मशीन बोल रही, जल्दी लाओ कप, लाओ जी कप दो। अच्छा अच्छा, मैं कप पर बहुत आ गया हमारी, देख लो कॉफी बना रही है हमारे लिए। आसान चीजें है ना, बच्चा बना सकता है कॉफी मेकर, ये देख लो। अब चाय हो तो टाइम लगेगा बनाने में। हाँ। अभी छोटी है ना, बिग कप करना बेटा, भूलना नहीं। थैंक यू। चाय पी ली है, मतलब कॉफी पी ली है, और हमारा लेफ्ट ओवर भी ज्यादा वो खाली है, और नेहा लगी हुई है कमेंट पढ़ने लोगों के। नहीं, अच्छे अच्छे कमेंट आया हुआ, मतलब दिवाली की वीडियो की अभी पढ़ रही हूँ मैं, इतनी ज्यादा बिजी थे हम लोग, तो अब मन कर रहा है कि बैठ के आराम से ना हम दोनों मजे करते हुए फिर कमेंट पढ़ते हैं, आपका रिप्लाई करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू शावर ऑन अस। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ जरूर कर देना, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अब आ गई है बारी हमारी राजी की, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, स्टे रॉक्स, स्टे बबल्स, स्टे मम्मा, स्टे डैडा, स्टे आर्या, बाय, स्टे फ्लावर्स, बाय, लाइट्स।